उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका 2 तारीख से आईपीओ खुलने वाला है। इसके जो डिटेल्स हैं वो दीपांशु के पास है, मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं कि कैसा है ये आईपीओ, क्या डिटेल्स हैं, कितना पैसा लगाना मिनिमम है और क्या इसका प्राइस बैंड है, ये बताने के लिए दीपांशु है हमारे साथ। दीपांशु बताइए, 2 तारीख को ये खुलना है, डिटेल्स क्या है? संदीप, आप तो जानते हैं आईपीओ के बाजार में कितना इंटरेस्ट आ रहा है मार्केट का, सीएसबी में, आईआरसीटीसी के बाद से, आईआरसीटीसी, एफएल इंडिया है, ये साल आईपीओ के लिए अच्छा रहा है और उज्जीवन सही टाइम पे आ रहा है, काफी डिमांड है इसकी। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो तकरीबन 25 से 50% के प्रीमियम के वहां पे भी बात चल रही है, तो ऑलरेडी अच्छी डिमांड हो चुकी है। 2 से 4 दिसंबर के बीच ये आईपीओ खुलेगा, 750 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है। 36 से 37 रुपीज पर शेयर का इनका प्राइस बैंड फिक्स हो गया है। और अगर आप देखें तो इन्होंने जो प्री आईपीओ करा था तकरीबन 2 हफ्ते पहले, 250 करोड़ वहां से जुटाए थे, उसमें इन्हें काफी इंटरेस्ट मिला, वैल्यूएशन पे इन्हें काफी इंटरेस्ट मिला और उसके चलते चलते अब जो ये आईपीओ आ रहा है उसमें काफी इंटरेस्ट बढ़ चुका है। क्यूआईबी पोर्शन 75% रिजर्व है, एनआईएस के लिए 15% और रिटेल के लिए 10% है। ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 2017 में इसका गठन हुआ था, ज्यादा ब्रांचेस भी नहीं है इस समय, बट इनकी तकरीबन 500 ब्रांचेस में से 25% ब्रांचेस छोटे और ग्रामीण इलाकों में है। ज्यादातर इनका फोकस साउथ में ही रहा है, कर्नाटका, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इनकी ज्यादातर ब्रांचेस हैं। एमएफआई बिजनेस से 80% से ज्यादा इनका हिस्सा है। और अगर आप देखें तो जो इनकी लोन बुक है उसमें बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है, तकरीबन 55% लोन बुक में उछाल हमने देखा है सालाना तौर पर दूसरे तिमाही में। एसेट क्वालिटी वैसे भी ज्यादा परेशानी तो नहीं होती है, ग्रॉस एनपीएस 1% से नीचे है, नेट एनपीएस भी तकरीबन 0.3% के आसपास है। अगर आप निम्स की बात करें तो ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस 10% के ऊपर ही ये निम्स मेंटेन कर रहे हैं। एनआईए में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। इस समय कंपेरिजन लिस्टेड यूनिवर्स में सिर्फ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बट जल्द ही का भी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्ट होने वाला है, बट एयू स्मॉल फाइनेंस के कंपैरिजन में देखें तो ये छोटा है, तकरीबन आधी है इनकी वैल्यू अगर आप टोटल एनआईए देखें या फिर नंबर ऑफ ब्रांचेस देखें या एसेट्स भी देखें, पर आगे ग्रोथ के बहुत अच्छे अनुमान है और काफी सारे इन्वेस्टर्स और काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस का इस आईपीओ पर सब्सक्राइब रिकमेंडेशन है, तो अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। और आईपीओ मार्केट जिस तरह गर्म हो चुका है इस समय, उसके चलते हुए भी थोड़ी अच्छी रिस्पांस की ही उम्मीद।